नमस्ते दोस्तों, वंसाबाई देसी किचन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं मुंबई स्टाइल वड़ा पाव। सबसे पहले हमें लेना है आलू। आलू को अच्छे से धो लेना है। आलू धो के फिर हम डालेंगे कुकर में। आलू को हमने धोया, निचोड़ा और डाला कुकर में। अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी हमको ज़्यादा नहीं डालने का रे बाबा, पानी बस एक गिलास डालने का। अब लगाइए बाबा इसमें सीटी। को लगाने के लिए हमको लगाना पड़ेगा कुकर का ढक्कन। हमने लगा दिया है कुकर का ढक्कन। एक सीटी लगेगी, फिर 5 मिनट गैस को कम करने का और उसके बाद फिर बंद कर देने का। आलू पक के एकदम रेडी हो जाएगा। ये देखो आलू अपना पक गया ले बाबा। इसको हमने छील छाल के गोरा चुट्टा बना दिया है। अब इसको हम करेंगे मैश बोलो, चूरा बोलो, बूरा बोलो, कुछ भी बोलो, इसको हम ये करने का। इस तरीके से हर एक आलू को हमको पूरा 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 चूरा चूरा करने का रे बाबा। ये साबुत और अक्खा हमको बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। वड़ा तो हमें इसका ही बनाना है, पर इसको तोड़ ताड़ के निचोड़ मटोड़ के इसका हम वड़ा बनाएगा। इस तरीके से हमें पूरे आलू को मैश करने का है। ये लिया है अदरक, ये लिया है हमने कद्दूकस। अब इसको देखिए खिश खिश। इसके बिना वड़े का टेस्ट नहीं आएगा। अगर आपको खाना है मुंबई स्टाइल में वड़ा पाव, तो होना चाहिए बढ़िया तरीके से, बिल्कुल कोई भी कमी नहीं रहने का। बॉम्बे स्टाइल में वड़ा पाव सबसे फेमस है। चीज़ बॉम्बे का वड़ा पाव, हर कोई बंदा जो भी जाएगा वो बिना वड़ा पाव खा के तो घर पे आता ही नहीं रे बाबा। भाई बॉम्बे की बात करो तो मुंबई में सबसे पहले क्या खाते, तीखा चटपटा सा, एकदम कान में से धुआं निकलना चाहिए भाई। अब ये हमने लिया है हरी मिर्च। अब इसका हम करेंगे कूचमा। ये देखिए इस तरीके से हम इसको काटते हैं। ये देखो पूरा मिर्ची का कचुंबर बन लिया है, दिख रहा है ना तुमको, हम बता रहा है सुन लो। ये कढ़ाई रख ली है, अब हम इसमें डालेगा तेल। तेल के बिना तो कोई तड़का लग ही नहीं सकता है। ए तुमको क्या लगता है मुन्ना भाई को पता नहीं है, तेल में तड़का लगता है पानी में नहीं लगता, समझे क्या। अब हम डालेगा इसमें दाल, वो जो पहले काला काला सा होता है फिर उसका ऊपर का छिलका निकाल देता है, फिर वो बन जाता है सफ़ेद उड़द की दाल, उसका इस्तेमाल करने लाए। ए सर्किट तुझे कुछ पता नहीं होता है क्या। ये देखो ऐसा चलाने का। अब इसमें हम क्या डालेगा, दाल डालने के बाद हम डालेगा काला काला सा जो तड़तड़ा सा कर जाता है, उसको क्या बोलते हैं, राई, सरसों, जो भी तुमको बोलना है, हमको क्या करना भाई। उसी के साथ डालेगा आप थोड़ा सा जीरा। देखो जब ये राई शोर मचाने लग जाए तब समझ जाना उसका काम पूरा हो गया रे बाबा। अब हम डालेंगे तड़तड़ा सा फड़कता हुआ कड़ी पत्ता। अब डालेगा अदरक, अब डालेगा कान में से धुआं निकलने वाला मिर्च। सब चीज़ें डाल के हमें ऐसा चलाने का। अब डालेगा हम खुशबूदार हींग। सबका काम हो गया रे बाबा। अब डालेगा हम इसमें कलरफुल हल्दी। लाल मिर्च का हम इस्तेमाल नहीं कर रहे लाए, नहीं तो कान में से नहीं बाबा कहाँ कहाँ से धुआं निकलेगा हम बता नहीं सकता। अब डालेगा हम आलू। कच्चे आलू बेटा कहाँ गए थे, बैंगन के टोकरी में सो रहे थे, बैंगन ने लात मारी रो रहे थे, पप्पा ने लड्डू दिया हंस रहे थे, ये वाला आलू काम करेगा अपना। अब ऊपर से डालेंगे हल्का सा धनिया का पाउडर। अब मिला लेंगे हम सब चीज़ों को एक साथ।
जहाँ पे मुन्ना भाई है वहाँ पे अलग तो कोई हो ही नहीं सकता ना बाबा। इस तरीके से हमें पूरी चीज़ों को मिलाते जाना है, हमारे आलू को मिक्स करते जाना है, सब चीज़ें आलू के अंदर आ जाएगी, चटपटा सा वड़ा का मसाला रेडी हो जाएगा रे बाबा। सबका मेन पार्ट तो अपन भूल ही गए, और नमक को कैसा भूल गया रे बाबा। लास्ट में हम डालेगा नमक जो करेगा अपना मज़ा डबल। ये हरा धनिया को भी काटना है, इसको भी हम बारीक इसी तरीके से काट लेगा। लास्ट में डालेगा हरा धनिया काट के, काट के तो तुमने देख ही लिया। अब इसको करेंगे घुमा घुमा के मिक्सर। ये बन गया हमारा वड़े का मसाला रेडी। ओके भाई, ये ले लिया हमने कटोरा। अब इसमें हम डालेगा बेसन। बेसन बोले तो पता है ना भाई, बेसन किसको बोलता है यार, मुंबई का आदमी हो के तुमको बेसन का नहीं पता? ये बात तो अपने खोपड़े में नहीं आई है। ये देखो इतना बेसन हमने डाल दिया है। अब इसमें क्या क्या डालने का है, अब इसमें हम डालेगा नमक। नमक बोले तो भाई सॉल्ट। अब डालेगा थोड़ा सा धनिया। अब डालेगा थोड़ा सा हल्दी पाउडर। उनको क्या करना है, थोड़ा सा डालना है सोडा, जिससे अपना वड़ा हो जाएगा पोला पोला। अब सर्किट क्या करने का, अरे भाई आपको इतना भी नहीं पता। अब हम डालेगा इसमें पानी, बिना पानी के भाई कैसे वड़ा बनाएगा, सूखे बेसन में वड़ा थोड़ी ना बनाया जाता है क्या भाई, तुमको इतना भी नहीं पता। अब इस तरीके से इसको मिलाते रहने का भाई, ये देखो कैसे गोल 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 घुमाने का इसमें बढ़िया तरीके से भाई, बड़ा मज़ा आ रहा है इसको तो घुमाते हुए। ये देख लो बन गया घोल रेडी। इस तरीके से देखने का सही से बना या नहीं बना, फिर अपने को बोलने का नहीं भाई हमने बराबर से तुमको समझाया नहीं। ये आलू का मसाला तो तुमको पता ही है पहले से। अब इसको लेने का ऐसा हाथ में, और ऐसे गोल गोल से इसके बनाने का लड्डू। लड्डू बोले तो समझ में आया ना, ऐसे नहीं खाने का है, आगे का इसका अभी बाकी है काम भाई। तेल भी अपना गर्म हो लाए। अब हम डालेगा वड़ा, बेसन में डुबो डुबो के इसको अच्छे से हम लाल करेगा। इस हिसाब से हमें डालते जाना है। हर जगह पे भाई मशीन काम थोड़ी ना करता है, कई जगह पे हमें हाथ का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, और जो हाथ की चीज़ें होती है वो होती है बड़ी टेस्टी, जो मशीन से मज़ा नहीं आता। माँ के हाथों में छुपा होता है प्यार। ये वड़े हमें बनाने हैं इस तरीके से। कुछ गलती हो गया होगा तो माफ़ करना भाई लोग, हमें कमेंट में ज़रूर बताना हमसे क्या गलती हो गया है। आपको ये हमारी भाषा अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, और हमको ज़रूर बताना कि हमको किस तरीके से बात करने का है। ये बात हमारी सही है तो बिल्कुल अच्छा कमेंट करिएगा, और अगर कुछ भी आपको हमारे भाषा में गलत लगता है, हमने कुछ किसी का दिल दुखाया है, कुछ अच्छे से बात नहीं किया है, तो प्लीज़ हम आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता है, पर हमें बताइए हमारी गलती कहाँ हो रही है। अपना वड़ा अच्छे से नहाने लाए, अच्छे से अपने आप को धोरे लाए, देखो क्या बढ़िया चिकना चिकना हो रे लाए। तुमको अच्छा लगा कि नहीं लगा भाई, देखो रगड़ रगड़ के अपने आप को लाल कर रहे लाए। इस तरीके से हम इसको धुले रहे हैं, धो रहे लाए। देखो घिस घिस के इसने अपने आप को लाल कर ले लाए। अब बस हो गया रे भाई, अब बाहर आ जा तू, हो गया बस तेरा नहाना धोना, बहुत ही चिकना सा हो गया है, अब आ जा तू बाहर, आ जा स्विमिंग पूल से। ये देखो अपना वड़ा पाव बन के एकदम रेडी हो ले। ये लिया हमने पाव,
ये किया इसका टुकड़ा, ये फाड़ा इसको अंदर से अपन ने ऐसा, ठीक है। अब लगाएगा इसमें ग्रीन चटनी, हरा हरा चटनी लगाएगा एक साइड से, एक साइड से लगाएगा हम सॉस, ये बढ़िया। अब रखेगा हम इसमें वड़ा, ये देखो बन के रेडी हो गया। अब इसमें हम डालेगा पेरी पेरी मसाला इस तरीके से, वाह 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 वाह, क्या बढ़िया मज़ा आया। आपको चाहिए आप हरी मिर्ची के साथ खा सकता है, आपको चाहिए आप प्याज के साथ खा सकता है, खांदे के साथ खा सकता है। ये किया इसको बंद और ये लो बाय बाइट। ओहो, क्या मज़ा आ गया भाई, क्या मज़ा आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।